नमस्कार, आपका स्वागत है महादेव मंदिर लोरिका से। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का मूड जानते जानते जब मैं इस गांव में पहुंचा तो मुझे पता चला कि एक ऐसा मंदिर है, इसका इतिहास ऐसा पुराना है कि मंदिर का खुदाई जब हुआ, जब शिवलिंग मिला यहाँ पर, शिवलिंग का जब खुदाई हुआ तो लोगों को ये पता नहीं चला कि कितना गहरा है और कितना लंबा शिवलिंग है। जितने खुदाई होते थे उतना लंबा और मोटा होता जाता था, ऐसा बताया जाता है ग्रामीणों के द्वारा और जो पंडित जी हैं इस मंदिर के उसके द्वारा। हमारा नाम हुआ राजकरण गिरी। राजकरण गिरी जी, क्या इतिहास है इस मंदिर का? जो महादेव प्रांगण में हम लोग हैं, मंदिर में हैं हम लोग, क्या इतिहास है इस शिवलिंग का? बहुत इसका ये है, माने खुदाई होने लगा तो कोई पता नहीं था कि कितना गहरा में है और कितना, जितने गहरा होता था उतना मोटा होता था। कितने ईस्वी की बात है, कितने साल पहले की बात है ये? करीब 2001 में। अच्छा, 2001 में यहाँ पे शिवलिंग मिला जी। शिवलिंग मिला तो पहले, लेकिन यहाँ वैसे लोग पूजा वूजा करता था जो चले महादेव है जी। लेकिन खुदाई होने लगा जब इनको इच्छा हुआ जो इनका उखाड़ के एक तो दूसरा स्थान में कोई रखा जाए जी। लेकिन ये उखड़ने वाला कोरकार के, लेकिन नहीं हिलने डोलने वाला हुआ, बस छोड़ छाड़ के। बताया जाता है कि 35 फीट मतलब खुदाई हुआ है, 35 फीट नीचे खुदाई हुआ था। किस चीज से खुदाई हुआ था 35 फीट? ये लोगों ने जेसीबी से हुआ था। हाँ, देखने के लिए कि कितना लंबा है, कितना लंबा है, कितना गहरा है, लेकिन कोई पता नहीं मिला जो कितना गहरा है। जाते ही है नीचे और जितने मोटे गहरा जाता है उतना मोटे होते जाता है। 2001 की घटना है ये, 2001 का घटना। उस समय पूरे गांव वाले लोग यहाँ, पूरा गांव वाले लोग था, लोरिका, देवड़ी, डुमड़ा, पोखरौनी, बोकहात, सलमपुर, चौगावा का लोग था, सभी लोग यहाँ मौजूद थे। धनौजा मौजूदगी में यहाँ पे खुदाई हुआ और पता नहीं चल पाया कि कितना लंबा है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। फिर क्या हुआ उसके बाद? अब नहीं हिलने डोलने वाला हुआ, उसका बाद फिर बोला जाए बाबा अब हिलने डोलने वाला नहीं है, फिर भर भूर के वहीं का वहीं रह गया। तो ये महादेव का फिर स्थान बन गया, मंदिर बन गया और लोग पूजने लगे। तो फिर ये तो एरिया में मतलब आग जैसा मतलब हुआ होगा ना, कि एक बड़ा एक इतिहास हो गया यहाँ पे, तो लोग बहुत दूर दूर से आए होंगे। बहुत दूर दूर से लोग आए, कहाँ का लोग नहीं आया, माने दूर दूर से लोग आके बहुत मेहनत भी किया इसमें जी। जी, तो आपको क्या लग रहा है इसमें, आप क्या बोलना चाहते हैं इसमें, जो शिवलिंग है यहाँ पे इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि कितना पुराना होना चाहिए, ये जो आकार बना हुआ, ये सब पहले से बना हुआ है या ये पहले का है? ये सब बना नहीं है, ये सब पहले से, सब पहले का है, सेम मतलब पहले से बना हुआ। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि बाढ़ में आया होगा या पहले से यहाँ पे कुछ होना चाहिए? ये सतयुग से है, ये आजकल का नहीं है, ये कोई बनाया हुआ नहीं है। बनाया रहता तो जब उतना खुदाई हुआ तो निकलता है, तो निकलता कि नहीं, कोई धाम होगा ऐसा, ये धाम होगा, कोई धाम होना चाहिए। हाँ, इसे कोई धाम होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए जी। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस शिवलिंग के बारे में, आपका क्या राय है? आप देखिए सर, जहाँ हम लोग जैसे जान रहे हैं और कई भी अनुभवी लोग आए हैं, तो आज से हम लोग यही लगा रहे हैं कि संभवतः यह पाषाण युग का यह शिवलिंग है। और आप देख सकते हैं यहाँ बाबा के सामने, यहाँ जो जिस समय रावण ने इस भोलेनाथ जब वरदान दिए थे, शिवलिंग दिए थे रावण को, तो उन्होंने जब नीचे रख दिया था, हम उठा कर यह निशान आप देख सकते हैं, क्योंकि विश्व भ्रमण के बाद भी ऐसा शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह रावण के द्वारा लगाया गया अंगूठा गया निशान, बहुत बड़ी जी, संभवतः जो धार्मिक आस्था से जुड़ने वाले लोग हैं, धार्मिक आस्था को मानते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी। तो ये जो यहाँ पे जो कटा है शिवलिंग में जो लगता है, तो ये क्या खुदाई के वक्त में जो जी? नहीं 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 नहीं, यह सब यह बहुत पुराना शिवलिंग है, तो पहले से ये जो है, तो ये बहुत पुराना शिवलिंग है और साथ ही साथ पाषाण युग का यह शिवलिंग है। और विश्व भ्रमण के बाद भी अजीब जैसा एक लग रहा है, अजूबा मतलब, जो पहले ये बहुत पुराना भी है। और अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको, तो उस समय में इसका आकार जो है पत्थर नुमा ये आकार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो कलाकार होंगे वो तोड़ के बनाए होंगे ये। बाकी आजकल तो सीमेंट के द्वारा बनाया जाता होगा शिवलिंग, ये तो बड़े बुजुर्ग भी आज तक नहीं, क्योंकि यहाँ 2-3-4 पुस्त किसी को नहीं पता है कि शिवलिंग की स्थापना यहाँ किसने किया, संभवतः या किसी ऋषि मुनियों के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना। आप जो बगल से रास्ता देख रहे हैं, यह संभवतः तो 70 के दशक में बना है, लेकिन इससे पूर्व
यहाँ एक धार्मिक धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र संभवतः रहा होगा और यह पूजनीय है और आसपास के बहुत सारे लोग हैं जी जी जो नित्य इस धाम को दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ विराट जंगल था यहाँ पर जी। तो यहाँ पर मान के चले कि ये जो स्थान है तो ये स्थान भी बहुत पुराना है या पहले से ही? ये स्थान बहुत पुराना है और समाप्त आप देख रहे हैं कि बगल में माता उच्चैठ वासिनी का स्थान है और वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर विश्व प्रसिद्ध श्री श्री 108 श्री पारसमणि महादेव के नाम से जाने जाते हैं और हम लोग पारसमणि नाम के महादेव के नाम से हम लोग पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि और यहाँ भी और भी बहुत सारे ऐसी व्यवधान हैं कि आप देख रहे हैं कि महादेव मठ के अंदर बहुत ऐसी जमीन थी शिवोत्तर सैराज शमशान घाट, तो कुछ अतिक्रमणकारियों ने इनस्तो नाबूद करके तालाब आप देख रहे हैं सामने इनको भर दिया। बहुत सारे जमीन है जो लोगों ने अतिक्रमण करके अपने निजी स्वार्थ में उपयोग कर रहा है, लेकिन मतलब मंदिर को देना चाहिए और मंदिर से ले रहे हैं। ले रहे हैं, मंदिर से ले रहे हैं। हम लोग सामने आप देख रहे हैं पारसमणि सेवा समिति के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि यह स्थान भी प्रचलित हो, इसका भी विकास हो, लोगों का आस्था भी इस जगह से जुड़े। हम लोगों की ऐसी सोच है और हम लोग युवा होकर के और काफ़ी तकरीबन 2011 से सक्रिय होकर के इस जगह को बनावटी सुंदरता बनाने में लोगों को आकर्षक का केंद्र बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में, ये जो अतिक्रमण है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ जो का जो स्थान है बाबा हैं पारसमणि बाबा है वो करीब जब रामचंद्र जी अयोध्या आए उस समय में बाबा यहाँ थे, बाबा यहाँ है और ऐसे ही का ऐसे ही हैं। उसके बाद ये जो नहर 1963 में नहर का खुदाई हुआ तो इंजीनियर लोग चाहा जो बाबा का थोड़ा साइड कर देंगे, नहर सीधा हो जाएगा, वो खुदवाने में लग गया करीब 30-35 फीट। 1963 में भी यहाँ नहर खुदवाने समय में खुना गया मगर बाबा का अंत नहीं पाया गया, तब नहर तिरछा हो गया, नहर तिरछा हो गया। उसके बाद कुछ 2001 में नवयुवक सब जोर शोर खम हम लोग सब लगाए, हम लोग भी 35 फीट तक खुनवाए जेसीबी से, यहाँ का अंत नहीं पाएगा। जो पंडा जी का पिताजी थे बिंदीगिरी स्वर्गीय बिंदीगिरी, वो उनके समक्ष में उस समय पंडा जी नहीं थे, इनके पिताजी थे उनके समक्ष में। उसके बावजूद 2004 में यहाँ बाढ़ आए हुआ था तो पंडा जी अपना घर चले गए, आवागमन सब ठप था। पंडा जी का माता राम इतना पानी हेल के खड़ा का खड़ा 15 रोज यहाँ बिना अन्न पानी का रह गया, मगर बेचारी मरा नहीं, सांझ बत्ती देते हुए ही रह गया। तो इस बाबा का जागरूकता ज़्यादा है, बहुत आदमी का जो संतान नहीं हुआ है वो बाबा को मनोकामना। यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ का अतिक्रमण करीब यहाँ बाबा का शिवोत्तर जमीन 10-12 बीघा जमीन है, शमशान है 1.5 बीघा, तालाब है 12-13। ये कोई दिया होगा ना, कोई दान किया होगा? अब ये सुने कि पूर्वज से आ रहा है, जब राजा रामचंद्र जी भगवान रामचंद्र जी जनकपुर आए थे शादी करने के लिए वो भी यहाँ आए हुए हैं, वो भी यहाँ ठहरे हुए हैं। हाँ हाँ, मगर है देहाती एरिया था, कुछ उतना नहीं था। वैसे माँ भगवती उचित भगवती माता उचित स्थान में है और बाबा स्वयं यहाँ है। चलिए हाँ, तो इसीलिए वहाँ यहाँ में कोई भेद नहीं है, यही है वो थोड़ा चमक है। वो भी ऐसे ही था देहाती की तरह, अभी थोड़ा वहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ हुआ नजर पड़ा, सरकार का तो अच्छा हो गया। हम भी यही चाहेंगे कि सरकार का नज़र इस जगह पे भी पड़े और एक अच्छा सा धाम बन जाए लोगों के लिए, अच्छा जो उचित भगवती। और आप ऐसे ही कवरेज देखते रहिएगा, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा भारत समाचार को। जय हिंद जय भारत।